लास्ट लेसन था नेशनलिज्म इन इंडिया। अब हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है इकोनॉमिक्स का सेकंड लेसन, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब ये चाहे इंडियन इकोनॉमी के बजाय कोई और कंट्री लिख दे, वर्ल्ड इकोनॉमी लिख दे, कि सेक्टर तो यही रहेंगे, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। वो चाहे इंडियन इकोनॉमी लिख दे कि भारतीय, क्योंकि हम यहाँ कंपेयर किसमें करेंगे कि भारत में कौन से सेक्टर में कितना प्रोडक्शन है, किस प्रकार किसमें कितना डेवलपमेंट हुआ है, कौन से सेक्टर में हमें और फोकस करने की जरूरत है। इसलिए हमने इंडियन इकोनॉमी लिख दिया कि हम यहाँ के सेक्टर्स पढ़ेंगे केवल। अब हम अपने आसपास जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें, वेयर वी आर गोइंग टू अर्न मनी, जो भी काम हम पैसे से रिलेटेड कर रहे हैं उसके लिए जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो आप देखो खेत में किसान, उसके बाद मार्केट में गए, दुकान से सामान लेके आ गए, उसके बाद कहीं भी आप बाहर शहर में गए, इंडस्ट्रीज देखते हो बड़ी बड़ी, उसके साथ साथ आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देख रहे हो, तो ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टिकुलर इकोनॉमी के सेक्टर का हिस्सा हैं। अब इसी अनुसार हमने काम के अनुसार और द नेचर ऑफ द वर्क, उस काम की प्रकृति के अनुसार हमने इनको अलग अलग तीन भागों में बांटा, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। अब प्राइमरी सेक्टर में कौन से आएंगे, प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज फ्रॉम नेचर, जो डायरेक्टली नेचर से प्राप्त करते हो। अब देखो एग्रीकल्चर की बात करें, व्हेन वी आर गोइंग टू ग्रो कॉटन और एनीथिंग एल्स, आइदर फूड ग्रेन्स कोई भी, वी आर गोइंग टू गेट इट फ्रॉम नेचर, प्रकृति के ऊपर, नॉट एंटायरली बट मोस्टली वी आर डिपेंड ऑन द नेचर, ज़्यादातर नेचर के ऊपर ही डिपेंड है। हो सकता है मैंने इरीगेशन की, बारिश नहीं तो इरीगेशन की फैसिलिटी जनरेट कर ली, लेकिन जो टोटल क्लाइमेट है उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते, टेम्परेचर वेदर की जो कंडीशन है वो चेंज नहीं कर सकते, तो ज़्यादा तो कुछ हमारा किस ऊपर डिपेंड है, नेचर के ऊपर डिपेंड है। उसी प्रकार हम डेयरी फार्मिंग की बात करें तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है कि वैन द एनिमल्स आर गोइंग टू मल्टीप्लाई, कि जैसे आगे टू गिव बर्थ, कि हमारे यहाँ न्यू बोर्न बेबीज के आगे उसके बाद और दूध के लिए, जिस प्रकार हमारे पास हर साल के अनुसार बात करें गाय या भैंस बकरी वट एवर वी आर गोइंग टू कीप विद अस, जो भी हम रखें डेयरी फार्मिंग में, ज़्यादातर गाय भैंस की अगर बात करें दूध दही और घी के लिए, तो उस पर्पज में बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे हाथ में नहीं, अगेन वी आर डिपेंड ऑन द नेचर। फिर जो फोडर चारा है उन जानवरों के लिए, वो अगेन वी आर डिपेंड ऑन द नेचर। अब फिर अगर हम बात करें माइनिंग की, मिनरल्स हैं व्हाट वी आर गोइंग टू टेक फ्रॉम द नेचर, फिर हमें जो हमारी लिथोस्फीयर उसमें से निकालेंगे तो नेचुरल प्रोसेस है वहाँ से मिले हमें। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट्री इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइमरी। तो ये जो ज़्यादातर हमें डायरेक्टली नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको हमने काउंट किया प्राइमरी में, और ज़्यादातर हम एग्रीकल्चरल रिलेटेड चीज़ें प्राइमरी से काउंट कर रहे हैं, इसलिए हम इसका दूसरा नाम जो आपकी बुक में दे रखा है एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, एग्रीकल्चर खेती और उससे संबंधित क्षेत्र। अब उसके बाद बात करें सेकेंडरी की, तो जो प्राइमरी प्रोडक्ट हमें मिला और उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट किया, तो हमें उसके लिए कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चाहिए जिसको हमने मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया। जैसे हमने छोटा सा एग्जांपल लिया कॉटन का, कॉटन से हमें पहले थ्रेड, देन आफ्टर द फैब्रिक, फाइबर से फैब्रिक तक पहुंचने में, बीच में थ्रेड वगैरह उस आगे तक पहुंचने में हमें एक प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत पड़ी, उस कॉटन को हमने कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी थ्रेड में, थ्रेड को फिर कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ी हमें एक कपड़े में, तो प्रोसेसिंग थी वो। जब हमारे पास किसी प्रोडक्ट की प्रोसेसिंग की जाए और इट एड्स वैल्यू, उसमें वैल्यू एड हो, और ये ज़्यादातर काम हमारे यहाँ किसी में हो सकता है, हमारे पास घरों में भी हम कोई ऐसा प्रोडक्ट, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ की बात करें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की बात करें, कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में हम कर रहे हों, लेकिन बेसिकली वी फोकस ऑन इंडस्ट्रीज़ की, हमारे दिमाग में से ज़्यादा प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, बड़ी इंडस्ट्रीज में ज़्यादा प्रोडक्शन की बात करें तो। इसलिए हम इस सेकेंडरी सेक्टर को, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, इसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। एंड द थर्ड वन विच हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ बोथ द फर्स्ट टू, तीसरा कौन सा है, टर्शियरी सेक्टर। इट्स नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस द गुड्स डायरेक्टली, कोई वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है, लेकिन इट्स हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट टू, जो पहले दो हैं जहां वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, इन दोनों की मदद करता है। अब एग्जाम्पल की अगर बात करें हम, तो फर्स्ट हमें रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज तक पहुंचाना है, या फिर प्राइमरी प्रोडक्ट जो हमारे पास फसलें हैं उसको मार्केट तक ले जाना है, वी नीड ट्रांसपोर्टेशन। तो उस गाड़ी ने या उस गाड़ी चलाने वाले तो कुछ प्रोडक्शन नहीं किया, वो अल्टीमेटली फार्मर प्रोड्यूस किया, मार्केट तक पहुंचाया, रॉ मटेरियल इंडस्ट्री तक पहुंचाया, सर्विस दी अपनी, सेवाएं दी,
उसके बाद कई बार हम डायरेक्ट नहीं बेचते, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज जहां हमने सामान को कुछ समय तक रखा कि चलो अच्छी कीमत आएंगे तब बेचेंगे। तो ये उसके साथ साथ हम कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं। आज तो कम्युनिकेशन इतना फास्ट हो गया कि अमन चीज इतनी जल्दी डेवलप हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह हम कंपेयर कर लेते हैं सामान का, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट हो गई है। तो उसमें कम्युनिकेशन की बात करें तो उसमें वो क्या है, ट्रेसरी सेक्टर। फिर हमारे पास एक रिस्क होता है कि कोई भी चीज़ हमें एक इंडस्ट्री लगाई, कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए कि भगवान ना करे कि हमने करोड़ों रुपए लगा दिए एकदम से खत्म हो जाए, तो उसके लिए हम इंश्योरेंस करा लेते हैं। तो उसमें क्या इंश्योरेंस, फिर ट्रेसरी सेक्टर। फिर हमें कैपिटल की जरूरत पड़ी किसी इंडस्ट्री के लिए, वी आर गोइंग टू गेट द फाइनेंस। अब बैंक से हमने फाइनेंस लिया, फिर बैंक ने अपनी सेवाएं प्रदान की ट्रेसरी सेक्टर की। सारे ट्रेसरी सेक्टर हैं ये डायरेक्ट कोई वस्तु का उत्पादन तो नहीं करते, लेकिन दोनों सेक्टर को बढ़ावा देने में, डेवलपमेंट में सहयोग करते हैं। अभी तो चलो कहीं ना कहीं डायरेक्ट सहयोग तो कर रहे हैं इसमें डेवलपमेंट, लेकिन कुछ एक सर्विस ऐसी जो डायरेक्ट उत्पादन में सहयोग नहीं करती, एट ए लेटर स्टेज कभी लंबे समय में जाकर उसका रिजल्ट मिलता है। जैसे एक टीचर की बात करें, आपको प्राइमरी और प्री प्राइमरी से आपकी शिक्षा शुरू हो जाती है और अल्टीमेटली आप लास्ट तक पहुंचते हो, तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिव जो स्किल्स जनरेट करते हो, तो उसमें कहीं ना कहीं उस योगदान तो उन क्लासेस का भी रहा है, लेकिन कितना समय लगा। तो हो सकता है डायरेक्ट उस टाइम पर उत्पादन में सहायक नहीं है, लेकिन लंबे समय में जाके वो सेवाएं सहायक है इन सारी चीज़ों के लिए। डॉक्टर है जो शुरुआत से आपकी टेक केयर, देन आफ्टर डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड एट द लोअर लेवल लाइक द वाशरमैन और द बारबर, ये सारी सेवाएँ तो ट्रस्टी सेक्टर ही अपनी सेवाएँ प्रदान करते हैं। तो इसके लिए ये सारी सर्विसेज है, कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, इसलिए इनका क्या बोल दिया गया, ट्रेसरी सेक्टर के साथ साथ सर्विस सेक्टर। तो ये हमारे पास इकोनॉमी के तीन सेक्टर हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम ये देखेंगे किस प्रकार तो ये इंटरडिपेंडेंट हैं, किस प्रकार हम इन सारे तीनों सेक्टर को काउंट करते हुए जीडीपी हमारी कैलकुलेट करते हैं, किस प्रकार कौन सा सेक्टर कब इंपॉर्टेंट रहा, कौन से सेक्टर की इंपॉर्टेंस समय के साथ बढ़ती चली गई, या कौन से सेक्टर में हमारे पास देर वाज डिक्लाइन विद टाइम, कि समय के अनुसार उतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, और हमारी इकोनॉमी कौन से सेक्टर के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है। और उसके साथ साथ हम कंपेयर करेंगे वर्ल्ड इकोनॉमीज के साथ भी, कि हमारे यहाँ बाकी देशों से कंपेयर करें तो किस प्रकार की इकोनॉमी है, और किस प्रकार हमारे सेक्टर इंडिकेट करते हैं कि इकोनॉमी के अनुसार हम डेवलप्ड हैं कि डेवलपिंग हैं। अब इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया, देन यू कैन आस्क बाय लीविंग ए मैसेज और बाय मेकिंग ए कॉल टू मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।